हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सॉरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो बना नहीं पाया। आज फिर मैं एक नया प्रैंक लेके आया हूँ रवीना को परेशान करने के लिए। रवीना अभी किचन में खाना बना रही है, तब तक तो मैं थोड़ा सा कैमरा वैमरा सेट कर लूँ। इसी सोफे पे यहाँ पे आके रवीना बैठती है, तो यहाँ मैं कैमरा थोड़ा सा छिपा करके सेट करूँगा ताकि इस लड़की को परेशान करने में बहुत मजा आए। रवीना को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। लॉकडाउन में मेरा वो इसी को परेशान कर करके टाइम पास हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइए गाइस कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अगर आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मुझे भी आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, यहाँ है मेरा टीवी, टीवी के ऊपर टेलीविज़न के ऊपर रखा हुआ है मेरा टेडी बियर और एक फोटो फ्रेम जिसमें मेरी रवीना की फ़ोटो है। इसी के पीछे इस टेडी बियर के सपोर्ट में मैं अपना फ़ोन का कैमरा छुपाता हूँ उसके साथ ज़्यादातर प्रैंक करने के लिए। अब देखते हैं आज भी पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है, लेकिन उसे परेशान करने में मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है। मेरा लॉकडाउन का सबसे बड़ा टाइम पास इसी से मिल रहा है। रवीना, ओ रवीना, क्या क्या कर रही है? हमको ये क्या कर रहे हैं? कुर्सी में बैठना है। सोफा पर नहीं बैठ सकते हैं? नहीं, सोफा तुम्हारे से मोटा गया है। सोफा तो मोटा है पहले से ही। तुमको तो क्या मोटा गया, हमें पानी तो पानी पीना है। ऐसे क्यों पागल जैसे कर रहे हैं? अरे पानी तो नहीं यार। तो आप चेयर पे क्यों बैठ रहे हैं? मेरा मन सोफा नहीं, सोफा तुम्हारे सर मोटा गया, हमको नहीं बैठना है सोफा में। तो आप पतले दुबले हैं क्या? हमको कहते मोटा गई मोटा गई। तुमसे पतले है। कौन सा आईना में देखते हैं? जो आईने में तुम देखती हो। क्या किए हैं पागल जैसे? पानी तो प्यास है। हे भगवान, कैसे दिख रहे हैं? पानी। और ये आँख लाल लाल कैसे हुआ? अरे शाम में सो के उठे तो आँख लाल हो गया। पानी दो, पानी बोतल दो ना पानी का। पानी का बोतल चाहिए? हाँ। ला रही हूँ। प्यास है। ये लीजिए पानी। धन्यवाद, नहीं बोलूंगा तुम्हें। बीवी से तुम्हारा फर्ज है। तो कौन बोला धन्यवाद बोलने के लिए? नहीं बोलूंगा। तो मत बोलिए। नहीं बोलूंगा। मैंने बोला आपको कि धन्यवाद बोलिए। अरे चुप करो ना, कितना काय 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 करते रहते। कौन पगलाया है? ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? पानी पीने दो ना। तो पीजिए। तो क्या बोल रहे, चुप। घूमने गए थे। किसके यहाँ? अरे क्या जरूरत है तुमको जाने का, गया था दोस्त लोग से मिलने। बोल कैसे रहे हैं आप? ऐसे ही बोल रहे हैं। हमको गाना गा के सुनाओ। मुंह से जबान नहीं निकल रहा है। नहीं, हमको गाना गा के सुनाओ। आधा बात तो आपके मुंह में रह रहा है। हमको गाना सुनाओ। मैं नहीं सुनाऊंगी। मेहमान कर रहा है। मेहमान कर रहा हूँ, गाना सुनाओ। कौन सा गाना? कोई भी। पगला गया? हमको गाना सुनना है। पगला गया? हमको गाना सुनना है। दारू पी गया है क्या? अरे हमको गाना सुनना है। आज तक तो नहीं बोले थे कि गाना सुनना है। नहीं तो हमको सुनना है ना मुटकी। मेरा पति पागल है, मेरी बीवी घर से पागल है। मेरा अच्छा गाना सुनाओ ना यार, क्या गा रही है? सबको गाना है, अच्छा गाना गाओ। पेटे में बोल देना, मच्छर भी काट रहा है। मेरा पति पागल। अच्छा मेरे को चखना तो चखना। चखना? पगला है क्या? दो मेरे को चखना खाना है। चखना क्या खाना है? मेरे को चखना खाना ला के। तो पगला में है, खाना मांगते हैं कि चखना मांगते हैं? अब तो चखना चाहिए। पहले बोलिए। मेरे को चखना चाहिए। कहीं कि खाना ले आओ। नहीं, मेरे को चखना चाहिए, खाना नहीं चाहिए।
इतना पागल है, दारू पीने वाला आदमी लोग ऐसा ऐसा भाषा बोलता है। अरे मेरे को चाहिए ला के दो ना। दारू पीने वाला आदमी के साथ घूम के आए क्या? हाँ ये सब भाषा तो उन्हीं लोग कर रहे थे। ठीक है घूम के आए, चलो दिमाग में चढ़ो, कल चखना ला के दो। चखना अपना हम कुछ नहीं जानते है, वहाँ पे दाल मोट है दे। हाँ दो। चखना तखना मेरे से बात मत किए कुछ। ये टेबल पर रखा हुआ है तो लेना नहीं है आपने, चखना लेंगे। सब खा गए इतने सुन रहे हैं। हम नहीं खाए हैं, आप ही खाए होंगे। कौन खा गए? आप खाए होंगे। हम भैंस के जैसा चलते रहते हैं, मोट की होंगे। हम भैंस जैसा चलते रहते हैं। हाँ। इरिटेट करें ना तो। हाँ। अपने कैसे बोल रहे हैं पता चल रहा है? हमको सब पता है। पता नहीं कहाँ से ऐसा पति मिल गया। कहाँ से इतने खराब गंदी बीबी मिली है? खराब? कहाँ से आपको खराब दिखते हैं? साड़ी पकड़े कहाँ से अच्छे दिखते हैं? अरे यहाँ तो खराब ही दिखते हैं। कहाँ से खराब दिखते हैं आपको? हर जगह से। दारू पी के आए क्या आज? नहीं। लग तो रहा है हमको? नहीं। सच सच बता दीजिए। दही पिए? थोड़ा देर में पता चल जाएगा आपका हरकत से। हरकत पूरा वही बता रहा है, टोटली हरकत वही है। हमको नाच के दिखाओ। पगला गए हैं क्या? मेरे को देखना है। गाना गाने बोले गाना गाए ना हम? उल्टा पुल्टा गाए इसलिए तो नाचने बोल रहे। मैं नहीं नाचूंगी, देखिए इन्वर्टर आवाज करा, जाके ठीक कर दीजिए उसको। हम ठीक कर देंगे। इन्वर्टर आवाज करा पहले उसको ठीक कीजिए। ये देखो सच में दारू पिए है, पानी पी रहे, आधा नीचे गिर रहा है। अरे इन्वर्टर करके बहुत बात करता है ये, बीबी खटपट खटपट करती है, इन्वर्टर खटपट खटपट कर रहा है। लग रहा है दारू से क्या किसी को कोई साबुन ही नहीं है। पगला गए हैं आज, बिना मार खाने ही बाहर नहीं मानेंगे यार। ये लॉकडाउन में भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, उधर से आते हैं घूम घाम के। दारू पी गए होंगे वैसा ही दोस्त है सब ना, क्या होंगे? कोई चीज नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता आज के डेट में। गिरेंगे क्या? कहाँ गिर रहे हैं? चल कैसे रहे हैं आप पहले? अच्छा चल रहे हैं, सही साथ में ऐसे नहीं चलता। ये देखो पगला गए हैं क्या आज? यार काय खोपड़ी खा लिए, चलिए नाच के दिखाइए। तुम नाचो, हम तुमको नाचने बोल रहे थे, तुमको बात में उठा करके अभी आप बोल के गए थे कि हम नाचेंगे आएंगे। तुम को बोले नाचने के लिए, हमको बात में उठा तुम बोला मत, हम इन्वर्टर ऑफ करने के नाम को सब याद है। आप बोल के गए हैं कि हमारे नाचेंगे, हमको सब याद है, तुम नाचोगी। नाच मेरे बसंती, पगला गए हैं। डांस बसंती, नाच के दिखो। देखिए इरिटेट मत कीजिए हमको, नाच के दिखो। पगला गए हैं क्या? नाच के दिखो, पगला गए हैं। साथ में नाचेंगे, साथ में हम नहीं आएंगे। ये देखो हाथ पर खींचते हैं, टूटेगा कि नहीं हाथ? ऐसे कौन नाचता है? ऐसे कौन नाचता है? पागल है, गिर जाएंगे। बैठिए पहले, क्या किए हैं? दारू पिए क्या? दारू पिए क्या आज? नाचो ऐसे कौन नाचता है? नाचो ना, नाचने का मन कर रहा है। दारू पिए क्या पापी लड़की? ऐसे कौन पानी मारता है? कौन किया है? मान लो ऐसे कौन पगला गया है क्या आज आप? ना जो गाँव कर रहे दोस्त पगले तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक के नाम पे नचवाएंगे हमको। तुमको परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे, देखी नहीं मजा आया कि नहीं? तो अपनी बीबी के तो पागल से बचवाता है।
प्रैंक करने में बहुत मजा आता है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रैंक? आज फिर मैंने रवीना को परेशान किया, बहुत बकवास लगा मुझे। अगर आपको ऐसे ही अपने भाई का चैनल देखने में मजा आ रहा हो तो आप इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही फनी फनी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।